हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, होमोफोन्स। इसमें से इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तमाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि होमोफोन्स का मतलब क्या होता है। तो होमोफोन्स का मतलब हुआ है कि दो ऐसे वर्ड जिसके स्पेलिंग अलग अलग हों लेकिन उसके उच्चारण एक ही हों, तो इन्हीं वर्डों को हम होमोफोन्स कहते हैं, यानी समान उच्चारण वाले शब्द, यानी स्पेलिंग अलग अलग लेकिन जो उनके प्रोनंसिएशन होते हैं वह लगभग लगभग समान होते हैं, उसी को हम होमोफोन्स कहते हैं। तो उनको देखते हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं, उनको अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे दिया है बेल बेल बेल, यहाँ तीन दिया है, वैसे दो ही आता है, दो में डिस्टिंग्विश करना होता है या अपने वाक्यों में प्रयोग करके इसको डिस्टिंग्विश करना होता है। तो यहाँ दिया है कि बेल, तो सबसे पहले बेल का मतलब समझेंगे। बेल का मतलब होता है गठरी। गठरी क्या है, यानी उसको पोटली भी बोल सकते हैं। पोटली यानी किसी चीज़ को बांध करके एक पोटली तैयार किया गया हो, उसी को हम बेल कहते हैं। तो क्या कह, इसको अपने वाक्य में अगर प्रयोग करोगे तो क्या हो सकता है, इसको अपने वाक्य में प्रयोग करो कि मजदूर ने जो कॉटन का गठरी था उसे उठा लिया। तो यहाँ हो जाएगा कि द वर्कर पिक्ड अप द बेल ऑफ कॉटन। ये हो जाएगा COTTON कॉटन, कि उसने, यानी जो मजदूर था वह कॉटन का जो गठरी था उसको वह उठा लिया, चाहे पोटली था उसे वह उठा लिया। तो यह वाक्य में प्रयोग हो गया। अगला दिया है बेल BELL, ध्यान देना BALE, बेल मतलब होता है गठरी, और यहाँ है BELL, बेल का मतलब होता है घंटी। तो घंटी का मतलब ये कह सकते हैं कि चपरासी ने घंटी बजा दिया। तो इसका प्रयोग हो जाएगा वाक्य कि द पियोन रैंग द बेल, रैंग द बेल, ये हो गया, चपरासी घंटी बजा दिया। एक और बेल है BAIL, बेल का मतलब जैसे कहा जाता है कि उसको बेल मिल गई, बेल का मतलब होता है जमानत। क्या हो जाएगा, जमानत, यानी अगर कोई कैदी हो और उस कैदी को कोर्ट के द्वारा अगर बेल मिल जाता है तो वह रिहा हो जाता है, रिहा कर दिया जाता है, उसी को अंग्रेजी में बेल या और हिंदी में जमानत कहा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कि हिज बेल वाज ग्रांटेड, ये हो जाएगा कि उसकी जो भी बेल थी उसकी, यानी उसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई, स्वीकार कर लिया गया है। तो ये हो जाएगा हिज बेल वाज ग्रांटेड। अब देखिए दूसरा है साइट, और यहाँ भी है साइट, यानी स्पेलिंग अलग अलग है, यहाँ पर भी BALE, BELL और BAIL, दो तीनों में स्पेलिंग अलग है लेकिन उसके जो प्रोनंसिएशन है उच्चारण है समान है। यहाँ पर भी स्पेलिंग का अंतर है लेकिन इसका जो प्रोनंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, वह समान है। जैसे दिया है साइट CITE, साइट का मतलब क्या होता है, और SITE, साइट का मतलब क्या होता है, उच्चारण एक है लेकिन अंतर क्या है दोनों में, यह आपको दिखाना है। तो इसका मतलब होता है उच्चारित करना, उच्चारित करना, यानी कोई भी चीज़ बोलना और बोल करके उसका उच्चारण करना, उसी को कहते हैं साइट। अब ये हो जाएगा, इसको अगर कह सकते हैं कि लड़का अपने भाषण के दौरान साइट, साइटेड यानी प्रोनाउंस किया, और ये कह सकते हैं कि ही वाज एक्साइटेड। ये हो जाएगा इन हीज स्पीच ही साइटेड एंड एक्साइटेड, यानी वह उच्चारित किया और एक्साइटेड उत्तेजित हो गया। और यहाँ दिया है कि साइट, साइट का मतलब होता है स्थल, ये होता है साइट, साइट मतलब स्थल। अब इसको हम अपने वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे यह देखते हैं। तो हो जाएगा दिस
साइट हैज़ बीन सेलेक्टेड SELECTED सेलेक्टेड फॉर द बिल्डिंग। ये हो सकता है कि इस जगह को इमारत के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, चुन लिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा साइट। साइट माने स्थल यानी स्थान। अगला देखते हैं, अगला दिया है कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी, और एक कैटल का मतलब यानी केटल, केटल का मतलब होता है केतली। लगभग लगभग उच्चारण समान है और स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ CATLE, कैटल माने मवेशी, और KETLE, केटल माने केतली यानी जिसमें चाय रखी जाती है वह केतली। तो अब मवेशी का मतलब क्या होता है? मवेशी का मतलब वह जो चार पैरों वाले होते हैं, यानी गाय, भैंस, बकरी जो भी है, इनको हम मवेशी बोल सकते हैं। तो इनको हम अगर अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे, तब ध्यान देना है कि जो कैटल होता है वह हमेशा प्लूरल नंबर में आता है, वह सिंगुलर नंबर में नहीं आता है। तो यानी यहाँ लिखेंगे CATLE, कैटल आर, और यहाँ कर देंगे ग्रेजिंग इन द मीडो, MEADOW। मीडो मतलब होता है घास का मैदान, कि जो मवेशी है वह घास के मैदान में चर रहे हैं। तो इस प्रकार से हो गया। और ये दिया है केटल, KETLE, केतली। तो अब इसको चाय के रूप में कह सकते हैं कि केतली में थोड़ा सा चाय है, तो यानी हो जाएगा देयर इज अ लिटिल टी इन द केटल। ये हो गया कि केतली में थोड़ा सा चाय है, ऐसे वाक्य में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब अगले में आते हैं, दिया है कि सेल, CELL, और एक दिया है SELL, सेल। तो इस सेल का मतलब तमाम सारी चीज़ें होती है। इसी का मतलब होता है कोशिका, इसी सेल का मतलब होता है जिसमें कैदी रखे जाते हैं, उसको भी सेल कहते हैं, और इसी सेल का मतलब कब्र भी होता है। तो तमाम सारे इसके जो हिंदी वर्ड है यह होता है कोशिका यानी कैदी गृह, और ये कब्र भी होता है, तो तीनों कह सकते हैं। तो अब जिस तरह से आप प्रयोग करना चाहें उस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। कोशिका के रूप में भी कर सकते हैं, कैदी गृह के रूप में भी, और कब्र के भी रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं कब्र। तो यहाँ अगर कह सकते हैं कि द डेड बॉडी वाज लेड कर देते हैं LAID लेड इन द सेल, हो गया। या बरीड भी बोल सकते हैं कि बरीड इन द सेल, कि उसको कब्र में दफन कर दिया गया, चाहे लेड माने रख दिया गया, इन द सेल, सेल में। अब दिया है SELL, दोनों का उच्चारण सेम है, CELL सेल, और SELL या LL सेल मतलब बेचना, तो यहाँ होगा बेचना। और इसको अगर हम अंग्रेजी में अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या हो सकता है कि ही इज सेलिंग और ही सेलिंग चलिए वेजिटेबल्स, ये हो गया वेजिटेबल, कि वह सब्जियां बेच रहा है। तो यानी SELL और CELL, तो सेल का मतलब कब्र, कोशिका और कैदी गृह, और सेल का मतलब बेचना। अब देखते हैं कम्प्लीमेंट, COMPLEMENT और COMPLIMENT कम्प्लीमेंट। केवल इसमें ई है और इसमें आई है, थोड़ा सा अंतर है, ई और आई का अंतर है, लेकिन उच्चारण बिल्कुल समान है। तो इस कम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, COMPLEMENT कम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, और यह जो COMPLIMENT है कम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना यानी प्रशंसा प्रेज जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में, प्रेज माने प्रशंसा करना। तो कम्प्लीमेंट पूरक, पूरक को बता
किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं? तो ये हो सकता है कि हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्प्लीमेंट फॉर वन अनदर इच अदर सॉरी दो हैं इच अदर कि हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्प्लीमेंट फॉर इच अदर कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, चाहे जीवन के पूरक होते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। अगला दिया है प्रशंसा, तो यहाँ हो जाएगा कि वी शुड गिव कॉम्प्लीमेंट टू आवर यंगर्स, यानी जो भी हमारे उम्र में छोटे होते हैं उन छोटे लोगों को हमेशा हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इन जो भी हमारे होमोफोन्स वाले वर्ड हैं इनको हम अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनका जो भी अंतर है हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।